बोलो माता रानी की, बोलो माता रानी की जय। हाँ, यहाँ पे हर बार बहुत बड़ा मेला लगता है और इस बार भी झूलों वाला लगा हुआ है। माता रानी का प्रसाद हमने ले लिया है, पूरा सामान है इसके अंदर, चुन्नी वुन्नी सारा श्रृंगार है माता रानी का इसमें। अब जाते हैं अंदर, आज इन्होंने खुशी के लिए मन्नत का धागा बांध रहे हैं अभी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे बनता है मन्नत का धागा। ये सारे कंफ्यूज हो जाए इतनी स्वीट देके, कौन सी स्वीट ले, क्या लेना बेटा? यार देखना कितनी अच्छी लगाई है ना, ये देखो नीचे। अरे वाह। तो गाइस अभी 8:30 हो गए और हम जा रहे हैं रात को शीतला माता के मंदिर में गुड़गांव में। और तो हमने पूजा वगैरह कर ली है, शाम की पूजा हो गई है हमारी और अब हम रात को जा रहे हैं। अब जा रहे हैं गुड़गांव माता रानी के मंदिर में। बोलो माता रानी की जय। और मम्मी और पापा हमेशा नवरात्रों पे जाते हैं, पर हम बहुत ज्यादा टाइम के बाद जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम कब गए थे, जब लेख रहे थे शहर गए थे ना। तो जी हम आ गए हैं गुड़गांव माता रानी के मंदिर में। अभी हम जा रहे हैं चौराहे वाली माता पे, माँ चुकानंद पे। चौराहे वाली माता है, ये देखो भवन अलग ही दिख रहा है माता रानी का, लाइट लगा रखी है काफी अच्छी। रौनक है थोड़ा, मेले में कमी है, भीड़ नहीं है क्योंकि हम रात हो गई है, 9 बज गए हैं, 9:15 के टाइम हो गए हैं। अब चलते हैं अंदर प्रसाद लेते हैं। बोलो माता रानी की, बोलो माता रानी की जय। अब हम आ गए चुगानन वाली माता रानी के मंदिर में, अभी हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। बोलो माता रानी की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, जय माता रानी तेरी जय हो। अभी हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है और दर्शन करके बाहर आ गए हैं हम। चुगानन वाली माता रानी का मंदिर में दिखा देता हूँ, अभी हमने दर्शन कर लिए, मंदिर बिल्कुल खाली है, बड़े आराम से दर्शन हुए हैं। बोलो माता रानी की जय। तो अभी हम चुगानन वाली माता के दर्शन करके आ गए हैं और दूसरे मंदिर जा रहे हैं। कौन से? बड़ी माता पे, बड़ी माता। और यहाँ पे पैदल चलने वाला रास्ता है क्योंकि हमने कैब बुक की थी, कैब को हमने वहीं छोड़ दिया। हाँ, तो हम पैदल चल रहे हैं। यहीं के लिए लोकेशन डाली थी। अच्छा, और यहाँ पे है ना मेला लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पे हर बार बहुत बड़ा मेला लगता है और इस बार भी झूलों वाला लगा हुआ है और यहाँ पे दुकान वगैरह लगी है। तो अभी हम पैदल चलते चलते जा रहे हैं। माता रानी का प्रसाद हमने ले लिया है, पूरा सामान है इसके अंदर, चुन्नी वुन्नी सारा श्रृंगार है माता रानी का इसमें। अब जाते हैं अंदर। तो अभी चलते हैं माता रानी की जय। जय जय माता रानी। तो अभी यहाँ का गेट खुला है तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे और आज भीड़ भी नहीं है। तो अभी चलते हैं हम दर्शन करने। अभी हमारे दर्शन हो गए बहुत अच्छी तरह से माता रानी के, माँ शीतला के, माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम बाहर आ गए हैं और यहाँ पे है बाबा भैरव का जोत लगाने का स्थान। और आर्यन ने अभी देखो यहाँ पे जोत लगाएंगे। बोलो भैरव बाबा की जय, जय माता रानी की जय, भैरव बाबा की जय। तो अभी हम आ गए हैं बाहर, यहाँ से भी हम दर्शन करके, माता रानी के भी हम दर्शन करके। और ये देखो कितना सुंदर डेकोरेशन हो रखे है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद और ये देखो ये यहाँ से लाइन है जो लंबे चल के आते हैं ऊपर से, तो वो इधर जाते हैं, पर हमें शॉर्टकट रास्ता मिल गया। और इधर देखो मेला जैसे ही लगाया, मतलब मंदिर ही बना रखे हैं छोटे छोटे। जय श्री भगवान तेरी जय हो, जय श्री भगवान। कर देंगे बेटा जी, जब सब कुछ होगा सब कुछ कर देंगे। आजा बेटा। जय बजरंग बली भगवान तेरी जय हो, पंचमुखी हनुमान जी है यहाँ तो। जय शिव जी भगवान तेरी जय हो। इतनी शांति है यहाँ, इतनी शांति, बहुत ज्यादा शांति है। आज भीड़ ना के बराबर है, कम भीड़ है यहाँ, इसलिए आराम से दर्शन हो रहे हैं सारे। और बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं बिल्कुल शांति के साथ। तो यहाँ से हमने मिट्टी छाट दी है। ये चुन्नी मुझे अंदर से मिली थी, ये मैंने पहन ओढ़ ली है, बताओ चुन्नी मिली है मुझे अंदर से।
अब चलते हैं बाहर। तो अभी चुन्नी ले रहे हैं, तो अभी हमने ले लिया चुन्नी। मन्नत के धागे बांध रहे हैं अपने दोनों बच्चों के लिए, आर्यन के लिए और खुशी के दोनों के लिए। ठीक बोलो, आर्यन और खुशी के लिए मन्नत का धागा बांध रहे हैं अभी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे बनता है मन्नत का धागा। दर्शन करके आ गए हैं हम, इस साइड से गए थे और इस साइड से हम आ गए हैं। और पापा यहाँ पे सारे जो पेमेंट है वो कर रहे हैं यहाँ पे। मम्मी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, शांति से एकदम, बिल्कुल शांति से, मन बिल्कुल शांत हो गया, प्रसन्न हो गया अंदर से, मतलब अच्छी सी फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव वेव आ रहा है। माता रानी की जय, माता रानी की जय, दरबार की जय। झंडे लेके आई देखो मानेसर के पास से आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। माता रानी की जय। ये दूसरी घर से पैदल चल के आए हैं, बड़ी श्रद्धा है। बोलो माता रानी की जय। माता रानी सभी की चाय पूरी करे, जय माता रानी। अभी आए हम स्वीट्स की शॉप पर और देख रहे हैं कौन सी स्वीट्स ले। ये सारे कंफ्यूज है, इतनी स्वीट देखे कौन सी स्वीट ले, क्या लेना बेटा, खुशी कंफ्यूज हो रही है, स्वीट्स खाए ना खाए। इधर दिवाली के सारे आइटम आ गए हैं, दिवाली के चक्कर में सारा सामान लगाया है इन्होंने। अच्छे अच्छे स्वीट्स लगाई हैं, चॉकलेट वाली। हाँ यार देखना कितनी अच्छी लगाई है ना, ये देखो नीचे। अरे वाह अच्छी लगाई दिवाली की। हाँ ये सारे दिवाली की गिफ्ट आई है। इधर रेस्टोरेंट है, काफ़ी भीड़ है। ये इतनी सारी शॉपिंग कर लिया है कि इनका बैग ही भर दिया है इन्होंने। और भी कुछ चाहिए खुशी? ये देखो क्या है, ये इनकी बुक है, इसमें बता रखा है कि क्या क्या चीज़ है। ओके कौन सी स्वीट और नमकीन है, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इसको भी टाइम नहीं है, कैब आ गई हमारी। बहुत सारी शॉपिंग कर ली है यहाँ से हमने ना, तो जी बहुत सारी शॉपिंग हमने यहाँ से कर ली है, बाहर लेके गए आ रहे हैं। अभी ये बाबा अभी दिखे थे रोड पे, रात 11 बज गए हैं, इनकी सुबह से कोई बिक्री नहीं हुई थी, तो मैंने बुकी के लिए एक बोल ले ली है। हमने बुक भी आया हुआ है तो हमने उसके लिए बोल ले ली। हाँ। कल खुश हो जाएगा देख, बुक के लिए बोल ले रहे बाबा की, थोड़ी बिक्री हो जाएगी। तो जी रात के बज गई हैं 11 और आर्यन बॉल से खेलता हुआ आ रहा है ना, खुशी देखना खुशी आर्यन को बॉल से खेलता हुआ आ रहा है। घर पहुँच गए हैं, आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सारे बोलो जय माता की, जय माता की। अभी हम घर पहुंच गए, 11 बज गए हैं। जय माता की, जय जय माता की, बाय बाय।